दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप लोगों को ख़राब दवाइयों की बेहतरीन टिप्स। दोस्तों कभी भी ख़राब दवाइयों को ना फेंके, जब एक्सपायर हो जाती है ना तो उनको फेंके ना। जैसे कि नल होता है, वाश बेसन का टोटी होती है, कोई स्टील का कोई भी सिस्टम है उस पर काई जैसा लग गया है, तो जो एक्सपायर दवाई है उसी से क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने एक टैबलेट लिया है, इसी एक टैबलेट की मदद से देख सकते हैं हम पूरी टोटी को, वाश बेसन की जो नल है इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, सारी काई को दोस्तों चुटकियों में रिमूव कर देगा। तो हमको इसको रगड़ना है हल्के हल्के हाथों से। तो दोस्तों कभी भी एक्सपायर दवाइयों को ना फेंकें, चाहे वो सिरप हो पीने वाला ताकत का, चाहे वो टैबलेट हो। दोस्तों सिरप के बारे में भी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि ख़राब जो सिरप हो जाते हैं, जो ताकत वाले होते हैं, खून बढ़ाने वाले, कैल्शियम बढ़ाने वाले, उनको ना फेंके दोस्तों। उनको कहाँ यूज करना है ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा किसी एक वीडियो में। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर जानकारी आप लोग देख सकें। तो देख सकते हैं हमने हल्के हल्के हाथों से इसको रगड़ेंगे और इसको क्लीन कर लेंगे। हमारा दवाई एक्सपायर था, हम इसको फेंकेंगे नहीं और सैकड़ों रुपये हम इसी से बचाएंगे। देख सकते हैं हमको कोई भी बाजार से कोई केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्री में ही इसको क्लीन कर लेंगे। दवाइयाँ ख़राब होने के बाद भी आप लोग उसी दवाइयों के जो पैसे हैं उनको वसूल कर सकते हैं, जिन पैसों से हम दवाइयों को लाते हैं, ख़राब होने के बाद भी आप उसको वसूल कर सकते हैं। देख सकते हैं आस्ते आस्ते हमारी जो नल की जो सारी काई थी, गंदगी थी, सब रिमूव हो चुकी है। हमने अब इसका मदद किया है, देख सकते हैं कॉटन का एक फॉर्म का टुकड़ा है जो कि गाड़ी का सीट कवर होता है उसी का छोटा सा टुकड़ा है। देख सकते हैं हमने थोड़ा सा गीला करके टैबलेट को थोड़ा घोल लिया है, अब और भी अच्छा लगेगा, सही से साफ होगा। देख सकते हैं पूरी वाश बेसन को भी हम क्लीन कर सकते हैं इसी की मदद से। कोई टाइल गंदा है, मैला है, उसको भी हम टैबलेट को चूरा करके क्लीन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो नाला बिल्कुल चकाचक हो चुका है। देख सकते हैं हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी ऐसी जानकारियां दोस्तों लाता रहता हूं इस चैनल पे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।